नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल हरियाणा बोल में। आप सभी के साथ मैं हूं सीना सिद्दीकी। अभी तो बरसात का मौसम आया भी नहीं है, लेकिन एक बार बारिश से ही तकरीबन सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। लगभग ग्रामीण इलाकों का यही हाल है। रोज रोज की घोषणाओं का क्या फायदा जब आज तक प्रदेश की तकरीबन सड़कें नहीं बन पाई है। घोषणाओं का हम जिक्र करते हैं, सुनते हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लगता है कि कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन क्या फायदा। जो बुनियादी चीजें हैं हमें कहें कि जिनको तो बिना किसी घोषणा के पूरा होना चाहिए, चाहे तो वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, सड़कें हो, स्कूल हो, शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, ये वो घोषणाएं हैं, या हमें कहें कि ये वो जरूरतें हैं जिनकी घोषणाओं की जरूरत नहीं है। लेकिन बारिश बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं आई है, लेकिन अभी से तस्वीर इतनी खराब है कि आप समझ सकते हैं कि अगरचे के बहुत ज्यादा बारिश का मौसम जब आ जाता है और बारिश रोजाना शुरू हो जाती है तो क्या तस्वीर होगी। आप हमें बेहतर बता सकते हैं। 0114321431 हमारा नंबर है। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर अभय राम जी हैं। अभय जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, जैसी कर ली वैसी कर ली जी। चले, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन बाकी दर्शक हमारे क्या सोच रहे हैं हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी से ये हाल है। सवाल संजीदा है। सुभाष जी, आप कहिए। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। सड़कों की हालत तो जी ग्रामीणाचल में इतनी दयनीय हो चुकी है, इतना बुरा हाल हो चुका है। जो कच्ची साइड होती है सड़क के पास, कच्ची साइड, उन कच्ची साइडों में भी इतने गड्ढे हैं कि साइड नहीं दे सकते बिल्कुल भी, चोट लगने का पूरा पूरा खतरा रहता है। और इसका ज्यादा असर किसान पर पड़ता है, जैसे किसान की ट्रैक्टर ट्रॉलियां चलती है उनके बैरंग टूटते हैं, उनके औजार टूटते हैं और तेल ज्यादा जलता है, धीरे धीरे ले जाना पड़ता है शहर तक मंडी तक। इतना बुरा हाल हो चुका है पूरे हरियाणा प्रदेश में जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बाकी दर्शक हमारे क्या सोच रहे हैं, 0114321431 हमारा नंबर है, जिसपे कॉल करके आप सभी जुड़िए हमारे साथ। किसानों का जिक्र इन्होंने किया, स्कूलों की बात हम करते हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पर जो है कि बच्चे जमीन पर बैठते हैं, टाट पट्टियों का इस्तेमाल होता है, दरियों का इस्तेमाल होता है। अगर उन स्कूलों में पानी भर जाता है तो फिर वो बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे। करंट का खतरा, क्योंकि तारे बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। हाई टेंशन तारों के बारे में आप सुनते हैं, कभी भी टूट जाती है, इंसिडेंट होते हैं खेतों में, खासतौर से जान भी ले लेती है कई बार ये तारे। तो एक चेन है, एक सिस्टम है, जिसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, इन घोषणाओं का क्या, अगर मूलभूत सुविधाएं जो है जो कि सबसे पहले मिलने चाहिए लेकिन वो भी नहीं है, तो फिर आप किस तरह से देख रहे हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। और हम चाहेंगे कि आप सभी हमारे साथ जुड़िए। वुमेन्स जो हैं, फीमेल्स जो हैं, वो क्या सोच रही हैं, किस तरह की फैसिलिटीज वो एक्सपेक्ट करती हैं, और या फिर घोषणाओं को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या इनकी जरूरत है, अगरचे कि हमें बुनियादी सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही हैं। नंबर हमारा आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, जो भी जहन में आ रहा है हमें जरूर बताइए। वेदपाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कहिए। वैसे सड़कों की हालत तो वैसे ठीक है मैडम जी, काम तो बहुत किया था उन्होंने। हाँ जी, कांग्रेस ने काम तो बहुत किया है मैडम जी। यानी कि कैथल की सड़कें बेहतर है हम ये कहें आपके पास की? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, कांग्रेस ने बहुत काम किया है, कैथल में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दर्शक हमारे कैथल से हैं तो वो जरूर हमें जुड़कर बताएं, क्योंकि अगरचे की अच्छी चीजें हुई हैं तो वो भी साझा कीजिएगा, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी रही हो, और अगर नहीं है तो भी हमें बताइए। अनाजों की अगर हम हालत देख लेते हैं, गेहूं का जिक्र करते हैं, कितनी तकलीफ होती है जब ये खबरें आती हैं कि गेहूं भीग गया है। कुलदीप जी, आप कहिए। मैडम जी, राम राम। राम राम जी, कहिए। मैडम जी, बात ऐसे है, जितना भी पैसा विकास के लिए बाहर जाता है उसके जिम्मेवार राजनीतिक और ठेकेदार होते हैं, कि ठेकेदार भी राजनीतिक होते हैं, उन्हें कोई ठेका दिया जाता है और उनसे रेट पे टेंडर दिया जाता है, अपने जेबे भरते हैं मैडम, उन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं है। भाई सड़क का गड्ढा हो जाएगा, ऐसा भी गाड़े आप देख लीजिए, पानी खड़ा पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक सड़क बनाई थी उसको ऊपर दोबारा बनाया, उनसे एक ही सड़क को तीन तीन बना के अपने जेबे भरते हैं राजनीतिक लोग और ठेकेदार। ठेकेदार राजनीतियों के संबंधी होते हैं, उनके तमसे होते हैं, ऐसे लगा लो या राजनीति उनके नुमाइंदे होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि एक सड़क है,
माना कि एक किलोमीटर की है, वो तीन बार बनेगी, चार बार बनेगी, लगता है कि जैसे सारी दुनिया उसी वहीं से सफर करती है। बनी हुई सड़कें बनती है लेकिन जहां पर जरूरत है वहां पर बनती नहीं। ये तस्वीर सिर्फ हरियाणा की नहीं, दिल्ली में भी रोजाना देखने को यही मिलता है। दलबीर जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी नमस्कार। नमस्कार, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, सिर्फ रोहतक रोहतक की सड़क बनी है, यहाँ पर हम जीन जिले में एक भी सड़क नहीं बनी है, कोई बात सब छोटी पड़ी है। रोहतक की बात कर रहे हैं, बुरा हाल है जी, खड्डे खड्डे। चलिए रोहतक का जिक्र करें, वो अलग बात है कि रोहतक में भी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, वहाँ का भी मुआयना किया हुआ है। करम सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, हेलो जी, हाँ जी, कहिए सर, आप जुड़ चुके हैं हमारे कार्यक्रम में, कहिए। मैडम जी यहाँ पर इतना बुरा हाल है ना जी, ये करनाल एरिया में। हाँ जी, ये करनाल एरिया में बहुत बुरा हाल है। मैं सुन रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। चलिए इतना भी काफी है कि करनाल में बहुत बुरा हाल है। क्या आप लोगों के आसपास की सड़कें बहुत अच्छी हैं? अच्छी हैं तो हमें जरूर बताइए, अगर कोई खामी है तो भी हमें बताइए। और ये देखिए कि बरसात की तो शुरुआत भी नहीं है सही तरीके से। सचिन जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी बोलिए। जो करनाल से आसान का मेन रोड है ना, बिल्कुल मैम उसकी है ना जो हालत बिल्कुल ही खराब है। अगर आप हम असम से टनल जाते हैं ना, कोई 4-5 घंटे का टाइम लगता है, जिसमें कि वो रोड है मैम। चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लाभ सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार मैडम जी, कहिए। ये कहना चाहता हूँ जी कि मैं रोडवेज के अभी रिटायर हुआ हूँ, और जो आप ये हमारी बसों को दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल यही हालत है सड़कों की, सड़क बिल्कुल खराब है। बस स्टैंडों को देखते आप, बस स्टैंड के ऊपर ही बहुत बहुत गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ियों की कमाइयां टूटती है और गलियों का नुकसान होता है। कोई सड़क का कार्य नहीं करवा रहे हैं, जो सड़क के लिए बजरी तार को लगा रहा वगैरह आता है वो तो एक्शन जिंदगी और बड़े बड़े मंत्री भी पुलिस को लगता है। सड़कें बिल्कुल खराब है, इसलिए हमारी बसों की हालत खराब हो जाती है सड़कों से, मैं ये कहना चाहता। चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बंटी जी हमारे साथ है, बंटी जी आप कहिए। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि रोहतक और सोनीपत में ज्यादा वो विकास हुआ है, हमारे इलाके में कुछ नहीं है। करनाल में सर पीजीआई भी, खानपुर गुआने में। हैरानी है कि सोनीपत में जब दिल्ली की तरफ से एंटर करते हैं तो ही इतनी सड़क खराब है कि आप किलस जाएंगे, इतना गंदा रूट कई बार लगता है। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हमारे दर्शक। रमेश जी आप कहिए। हाँ जी, हाँ जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं नरवाना शहर से लगता हूँ जी, हमारा गांव नरवाना के अंदर जी, सड़कें बहुत खराब है। आते जाते जब हमारे ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाते हैं तो वहाँ पर बैरिंग वगैरह टूट जाते हैं और बहुत परेशानी होती है किसान को, अपना अनाज डालने में बहुत दिक्कत आती है। नरवाना की सड़कें बिल्कुल खस्ता हालत है, यहाँ पर कोई किसी के कोई सुनता नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स के मामला जो हैं खराब सड़कों की वजह से आते हैं और बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं वो भी टूट फूट जाते हैं। ज्ञान भूषण जी हमारे साथ हैं, कहिए सर आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि चाहे करनाल हो, चाहे कुलचेतर हो, चाहे कोई भी एरिया हो, कि वहाँ पर सरकार ने कोई नाले नहीं बनाए या सड़कें नहीं बनाई, लेकिन ये जो पानी जमा हो जाता है इसके पीछे कई कारण है। अब जैसे करनाल के अंदर ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो मुगरिंग नाल है, और वो सारी गंदा, एक हमारा खाड़ा था गंदा नाला, वो कम से कम 7-8 किलोमीटर लंबा है, जो वो सरकार ने बनाया है। और वैसे भी आमतौर पे जो बाजारों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, कारण ये है कि जब हम ही अपने घर के बाहर पोलोथीन वगैरह वगैरह हम सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो ये होना वाजिब है, थोड़ा फर्ज हमारा भी बनता है। सरकार ने तो नाले बना दिए। और मैम मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं करनाल के पास है गाँव रावर, वहां का वासी हूँ, और पिछले 10 सालों के अंदर अंदर हमारे गाँव के अंदर एक भी ऐसी सड़क नहीं आए,
भाई जो कच्ची हो, और आज भी चाहे बरसात सारा दिन हो जाए, हमारे गांव में कहीं भी थोड़ा भी किसी भी गली में पानी नहीं रहता और चिकट भी रहता। मैं अपने गांव की गलियों से और सफाई से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, चाहे वो हमारा एमपी हो, हमारा सरपंच या वो जाए, लेकिन आम नागरिक का फर्ज बनता है जो नालों के अंदर वो गंद ना जाने दे जिसके कारण वो नाले बंद हो जाए, और थोड़ा नगर पालिका का फर्ज बनता है कि उनकी भाई बरसात होने से पहले वे व्यवस्था पूरी करें, उसकी सफाई अच्छी तरह करें। चलिए, बहुत बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई कि कोई दर्शक ऐसा जुड़ा जो संतुष्ट है इस व्यवस्था से, और अच्छी बात है कि आप इतनी सहूलियत भरी जिंदगी बसर करें। लेकिन सारी तस्वीरें ऐसी हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपने एक बात कही कि भाई जनता को भी चाहिए कि वो साफ सफाई रखे, बाकी चीजों को मैनेज करने में भी अपना सहयोग दे, वाकई दे। लेकिन अगर जहां नालियां बननी चाहिए वहां नालियां ही नहीं है, तो जनता अपने घर में पानी इकट्ठा नहीं करेगी, या फिर हमें कहें कि कूड़े की गाड़ी नहीं है पर्टिकुलर आ रही है, कोई जगह नहीं है तो कहां डालेगी। कई बार ये भी आता है, लेकिन लोगों का सहयोग जरूरी है। मेहर सिंह जी कहिए। मेहर सिंह जी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, मैं, हाँ जी, आप, मैं करनाल जिले से बोल रहा जी। चलिए, आज करनाल का ही दिन है, कहिए करनाल से बोल रहे हैं आप, कहिए। हाँ जी, उदा साहब ने बहुत काम किए जी। हाँ जी, मतलब उदा साहब ने बहुत काम किए जी, हमारे यहाँ असंत में शुगर मिल लगाए जी। हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। करनाल से थे ये अरविंद शर्मा, सांसद थे यहाँ से। राजबीर जी आप कहिए। जी नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार जी। मैडम मैं जींद से बोल रहा हूँ जी, और जींद में चारों तरफ बहुत ही अच्छा काम हुआ है। पहले इतना काम कभी नहीं दिखाई दिया जी, पक्की गलियां बन रही हैं चारों तरफ से, सड़क का जो काम है बहुत अच्छे से चल रहा है, पानी की निकासी के लिए बहुत अच्छे से प्रबंध है, लाइट के प्रबंध है, तो बड़ा अच्छा फीलिंग हो रहा जी, सरकार ने काम किया हुड्डा सरकार ने। चलिए, अच्छी फीलिंग हो रही है इन्हें, हुड्डा सरकार ने काम किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ये तस्वीरें हैं ये सभी को खुश नहीं कर रही हैं। हमें चाहते हैं कि हर कॉल ऐसे ही दर्शकों से आए जो संतुष्ट हैं, जो खुश हैं, क्योंकि इसी बीच हमारे साथ गुरविंदर जी हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सर ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप जुड़े हुए हैं, कहिए। हाँ जी मैडम जी, ये हमारे बुलाना में जो सड़कें बनी है ना, सीवरेज लाइन की पाइप दबाई है उसमें, बिल्कुल ही मतलब छोटे वाली पाइप दबाई है उसमें, और ना कोई सिस्टम से काम किया, ना उसके नीचे बजरी डाली है। जिस दिन भी वो सीवरेज लाइन सारी चालू होगी तो सारी उपलाना शहर मतलब डूब जाएगा। और विधायक साहब ने अपने सेहतों को मतलब ठेका दिया है सभी का। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इसी बीच हमारे साथ प्रवीण जैन जी हैं। प्रवीण जैन जी आप क्या कहना चाहते हैं? सर आप जुड़ चुके हैं, कहिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैडम जी, मेरा कहना ये है कि कहीं तो सड़कें नहीं है, और जहाँ पर सड़कें हैं वहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, पानी की निकासी ना होने की वजह से भी सड़कें मैडम जी बहुत जल्दी टूटती हैं। तो सरकार को चाहिए जहाँ से सड़कें बनाती हैं भाई वहाँ पानी की निकासी होनी चाहिए, समय समय पर नाली की साफ सफाई होनी चाहिए, गंदगी खत्म होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, बरसात बहुत ज्यादा आई भी नहीं है कि तस्वीरें इस तरह की हैं कि भाई पानी ही पानी है चारों जगहों पर, सड़कों में गड्ढे फिर गड्ढों से हादसे। विकास की तस्वीर जब बयां करनी हो तो सड़कों से गुजरिए किसी भी जगह की, ये हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें ऐसी हैं कि जो निराश करती हैं। नरेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ मैडम की सड़कों की हालत तो गाँव में नहीं शहर में भी इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि अब आम आदमी का तो करना मुश्किल हो गया, और सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे नारनौल से महेंद्रगढ़ का रोड है, इसमें एक एक फुट से भी ज्यादा गड्ढे बने हुए हैं, कहने को तो स्टेट हाईवे है, लेकिन ये गांव की गलियां भी इससे अच्छी होंगी, तो कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, ना कोई ड्रेनेज का सिस्टम है, ठेकेदार आता है काली पीली करके चला जाता है। चलिए आप जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। सुनील जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी मैडम जी। कहिए। मैं ना मैडम जी असंद से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। गांव से। हाँ बोलिए। हाँ मैडम जी, यहाँ पे जो असंद में काम हुआ है, यहाँ पे जो असंद हल्का है बहुत काम हुआ है यहाँ पे, मतलब कि कोई भी समस्या नहीं, सीवरेज की लगा लो, यहाँ पे एक बाईपास निकला है वो भी बहुत बढ़िया निकाला है उसने, जिले राम शर्मा जो यहाँ के विधायक है ना, उन्होंने बहुत काम किया मैडम जी।
चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं। अर्जुन पाल जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैम पहले नमस्कार आपको। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ आज जितने भी काम ठीक से नहीं हुए हैं, सरकार ने बराबर फंड उपलब्ध करवाए थे, जो फंड लैप्स होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इन अधिकारियों की वजह से फंड लैप्स हो जाता है, अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसीलिए विकास काम जो कहीं अधूरा रह गया है इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं संबंधित अधिकारी है। और मैं मान करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत टर्मिनेट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा होते हुए भी इस पैसे को इन लोग लैप्स क्यों मेरे साथ के बाहर है, तो मैं तो इतना लैप्स करने वाले अधिकारियों के ऊपर होनी चाहिए सरकार की सभी। चलिए आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, हम चाहेंगे कि बाकी दर्शक हमारे साथ जुड़े। लगभग ग्रामीण इलाकों का यही हाल है, ये सड़कें, ये पानी, ये गंदगी और असुविधा। लेकिन अगर सभी जगहों पर ऐसा नहीं है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि क्या दिक्कतें आपके आसपास में नहीं है और कितने वक्त से नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर तस्वीरें इतनी खराब हैं कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कहें कि काफी हद तक खींच जाएंगे। ज्ञान सिंह जी आप कुछ कहना चाहते हैं सवाल पर? हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम जी नमस्कार। नमस्कार कहिए। हाँ मैडम जी, एक तो जो आप ये बारिश का पानी दिखा रहे हैं ना, तो इसकी एक तो ऊपर जिस तरह भगवान जब बारिश डालता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, सरकार के पास तो एक सीमित साधन होता है नाला वगैरह जो ड्रेन वगैरह हम बनाते हैं, और ऊपर से पानी की तो कोई लिमिट नहीं होती कि कितनी वो ऊपर से पानी आ जाए। अच्छा, तो सरकार के पास तो एक सीमित साधन होता है, दूसरा पब्लिक का भी हाथ होता है उसमें। जिस तरह लोग अपने घरों का जो पानी होता है वो सड़क के ऊपर गहल जाकर छोड़ते हैं, और ऊपर कचरा है वो भी सड़क के ऊपर लोग डालते हैं, तो लोगों की भी बात है, लोगों की भागीदारी, लोगों का सहयोग वाकई बहुत जरूरी है। ये बात सही है क्योंकि कुछ जगहों पर जब खबरें आती हैं कि पानी की पाइपलाइन में से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, गंदगी निकल रही है, वो ये होता है कि कई बार कुछ जगहों से लोग पानी की पाइपलाइन ही तोड़ देते हैं, उसमें अपनी फिटिंग करते हैं, अपनी सहूलियत ढूंढते हैं। कुछ ग्रामीण किसानों की बात करें, एक शरारत है, एक जरूरत है, एक चालाकी है, लेकिन वो नुकसान करती है जो कि नहीं होनी चाहिए। तमाम चीजें सिस्टमैटिकली हों और सिस्टम को दुरुस्त तरीके से चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों को सरकार ने दी है उनकी चेकिंग भी करे सरकार, ये जरूरी है। एक दर्शक है हमारे साथ, भीम जी कहिए। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है जी। आपके गांव में पीने का पानी नहीं है, आगे कहिए। तो अभी तक लाइन बिछी हुई है, अभी तक पानी नहीं आया जी। तो इसके लिए पूरे प्रशासन से ही मिल चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो प्रशासन से मिल चुके, कार्रवाई नहीं हुई, तो ये तस्वीरें जब आती हैं तो तकलीफ देती है। अब ये अंदाजा लगाइए कि अनाज सड़ रहा है क्योंकि व्यवस्था नहीं है। आप ये समझिए कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिशें नहीं करती, पैसा भी खर्च करते, लेकिन वो सही जगह पर इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ ये चेक नहीं करती। केशव हमारे साथ हैं, केशव जी कहिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैडम जी ये लोग झूठ कहते हैं, हुड्डा साहब ने काम बहुत कराए हैं लेकिन कराए सिर्फ रोहतक के हैं। हम तो हुड्डा साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे सिरसा के अंदर कम से कम सड़कें तो नहीं बनवा सकते, आप जाते जाते 5-7 बोट यानी किस्तियां तो हमें मंजूर कर दो ताकि हम किस्तियों में आना जाना अपना जो रोजमर्रा की जिंदगी किस्तियों पे नावों पे चल के कर लेंगे, क्योंकि बरसाती मौसम है, हमारे 5-7 सड़कें ऐसी है वहाँ पे शहर के अंदर जहाँ पे मतलब आदमी के कमर तक पानी आ जाता है जी, तो वहाँ पे किस्तियों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। हम तो कहते हैं हमारे को किस्तियां मंजूर कर दे, सड़कें तो ये नहीं बनवा सकते, इनके पास टाइम ही नहीं है। अब नहीं तो फिर किस्तियां बन जाएगी, इसके लिए कहाँ से टाइम आएगा, सड़कें ही नहीं बन सकती, तो चाहिए कि व्यवस्था बेहतर की जाए। अनिल अंकुश हमारे नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल अंकुश ये क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी नमस्कार। नमस्कार। मेरी तो आने वाली सरकार से सिर्फ एक प्रार्थना है, इससे तो खैर नहीं कुछ कर सकते, 10 साल के अंदर जितना पैसा सड़कों के ऊपर या सामान खरीदने के ऊपर खर्च हुआ है उसकी सिर्फ ये इंक्वायरी करवा दी जाए कि ये पैसा किन के पास गया है। आप अचंभा मानेंगे कि यदि ये चीज इंक्वायरी हो जाती है तो आप ये देखेंगे कि 70% जो पैसा है वो किसी ना किसी राजनेता का रिश्तेदार ठेकेदार था वहां पर, और ये सबसे बड़ी कमजोरी थी वहां से, और आखिर तक पैसा खा लिया गया, लगाया कुछ नहीं गया,
और कागजों के अंदर पैसा वो दिखा करके लोगों के टैक्स के पैसे को मतलब मिस यूज किया गया। सिर्फ इतनी मेरी बात है, कोई कुछ नहीं हुआ। जहाँ पर भी ये हुई है मतलब विकास का काम हुआ है वहाँ की टोटली सही ढंग से फेयर इंक्वायरी करवा ली जाए और ये देख लिया जाए, बस इतना ही वो है और कोई मतलब इनसे उम्मीद नहीं रख सकते। चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैडम, हमारी सड़कें टूटी हुई है बिल्कुल, हमारे गांव के जो है कैथल की आप बात कर रहे हैं? नहीं मैडम, कैथल डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है मैडम, नितिन के पास गांव पड़ता है। चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। विजेंद्र जी आपके जहन में कुछ चल रहा है सवाल पर? नमस्कार मैम जी। नमस्कार, कहिए। सर मैं उचाणा से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर एक महीने से ज्यादा हो गया जी वाटर सप्लाई का पानी आए हुए, हम कंटिन्यू बिल भरते हैं और एडियो के साथ मेरी बात हुई, जय साहब से बात हुई, सर वो कह रहे हैं करेंगे, एक महीने से ज्यादा हो गया हमारे पानी आए हुए। चलिए बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। इतना ज्यादा जनता परेशान है, उससे परे हम ये कहते हैं कि भाई हम नंबर वन है, ये एहसास बहुत अच्छा है, लेकिन वाकई चीजें हो तो कितना अच्छा लगेगा। आशु जी कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? आशु जी, हेलो जी जनाब कहिए। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहरों में भी और गांव के इलाकों में भी सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो मैडम विधायक का सबसे पहले काम होता है सीवर प्रॉब्लम को सोल्व करने का, तो मैम कोई भी उसका खराब नहीं है किसी का भी सर। चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ। जी जी कहिए, माफ कीजिएगा अपनी बात पूरी कीजिए आशु जी। चले लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन गुजारिश रहेगी आप दोबारा जुड़े हमारे साथ। राजकुमार जी आप कहिए। ऐसा भी नहीं है, जो गांव के जो अंदर रोड बने वो तो ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस से जो पानी यमुना रोड है तो सिर्फ रोड है, डेली इस रोड पर कोई ऐसा नहीं जाता है, एक्सीडेंट होता है डेली, दो तीन डेली एक्सीडेंट होते हैं जी। रोड आप सरकार से बात करते हैं, ट्रेवल होना चाहिए जी। चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। जय श्री राम जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं मदीना गांव है मेरा। कहिए। हाँ रोहतक के पास मदीना गांव है, हुड्डा साहब ने पूरे हरियाणा में काम किए हैं और आनंद सिंह दांगी ने महम में पूरा विकास किया है और ये जो रेल लाइन चलेंगी ये पूरे हरियाणा में चलेंगी, जो दीपेंद्र जी ने पूरा काम किया ये पूरा हरियाणा के लिए किया है। ये कांग्रेस का वैसे भीतरघात था, वरना हुड्डा साहब की कोई कमी नहीं है। चलिए बहुत हमें कहें कि करीबी महसूस होते हैं, बहुत प्रभावित हैं, अच्छी बात है। आप हमारे साथ सोनू जुड़े हुए हैं। सोनू जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, ये सर जी ये अपना मैडम जी ये क्या नाम कहते हैं ये जो करनाल में है जी, जो नई कॉलोनियां कटी हुई है पुरानी। हाँ जी। पुरानी जो कॉलोनियां क्या नाम कहते, 16 साल हो गया ये कॉलोनिया की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कॉलोनिया क्या नाम कहते हैं कॉलोनी, जो ना गलियां है ना सड़कें हैं यहाँ पे, ना पानी का सीजन है ना कुछ है। चलिए, न पानी है न सड़कें है न कोई सुविधा है। हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी आप क्या कहना चाहेंगे? संजीव जी कहिए। जी जिन्हें मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा पैसे की व्यवस्था तो की जाती है, लेकिन जो जमीनी बरातल है